आज अभिनगर पीएस लिमिट्स में गोकुल नगर एरिया में सीपी हैदराबाद इंस्ट्रक्शंस पे कार्डन सर्च कर रहे थे। इस कार्डन सर्च में मेरे साथ एसीपी आसिफ नगर, एसीपी गोशामाल और 12 इंस्पेक्टर्स, एसआईस, एआर फोर्स, सिविल फोर्स, वुमेन फोर्स, पूरा मिला के 150 पर्सन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। 5:30 से लेके अभी 7 o'clock तक कार्डन सर्च कर रहे थे। इसमें 190 हाउसेस को सर्च कर रहे थे। 62 व्हीलर्स को सही तरीका से डॉक्यूमेंट नहीं है, सो नंबर प्लेट नहीं है, सो और चालान स्पेंडिंग है, सो ट्रैफिक चालान स्पेंडिंग है, तो वो टू व्हीलर्स को कस्टडी पे लिए थे। वो वेरीफाई करने के बाद फर्दर एक्शन लेंगे। थ्री कस्टडी में लिए और राउडी शीटर्स को 5 लोगों को कस्टडी मिले। एक कार्डन सर्च में लोगों ने थोड़ा प्रॉब्लम्स, एरिया का प्रॉब्लम्स भी बताए, अपना डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते, दूसरा डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम्स जीएचएमसी वाटर वर्क्स और इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स, वो हमारा डीसीपी साहब के तरफ से एक लेटर लिख के वो प्रॉब्लम्स सॉल्व करने को कोशिश करेंगे। सर, ये आप कार्डन सर्च कर रहे हैं, घर घर तलाशी कर रहे हैं, साहब लेट नाइट भी कारोबार चल रहा है हबीबनगर पी एस लिमिट में, जैसे कि मिलन जूस है, बड़ी मस्जिद के अतराफ में जो ट्रैफिक जो गाड़ियाँ रखे हुए हैं उसके ऊपर कोई एक्शन ले रहे साहब आप? नहीं, नंबर ऑफ केसेस बुक कर रहे, उन लोगों के ऊपर ई पे टी केसेस बुक कर रहे। बाद में 4-5 ई पे टी केसेस होने के बाद RDO को लेटर लिख के वो क्लोज करने को भी कोशिश करेंगे। जो नहीं सुन रहे वो लोगों वैसे ही खुला 12 बजे के बाद कौन सा शॉप खुला रख रहे, उन लोगों के ऊपर परफेक्ट एक्शन ले रहे। वो लोग नहीं सुने तो वैसे ही करे तो RDO को लेटर लिख के क्लोजर के वास्ते भी लेटर लिखेंगे। యూట్యూబ్ ఛానల్ వచ్చేస్తుంది అంతే ఫటేతో। आ जाओ ना जल्दी आ जाओ। बाबू
Thank you.